फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग पॉइंट पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फॉर्म भरने की डेट आई है, पार्ट वन की जो फॉर्म भरने की डेट आई है, उसमें जो है आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मांग रहा है। तो रजिस्ट्रेशन स्लिप क्या होता है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन स्लिप कहाँ से और कैसे मिलेगा, और हम ये आपको ये रजिस्ट्रेशन स्लिप भी दिखाऊंगा कि रजिस्ट्रेशन स्लिप क्यों इंपॉर्टेंट है और रजिस्ट्रेशन स्लिप कैसा होता है। मैं आपको एक पिछले ईयर के स्टूडेंट का एक रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखाता हूँ। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पे फॉर्म फिलअप जो होगा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। जी हाँ, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, जिस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कराए थे उस तरह से होगी या ऑफलाइन होगी। साथ ही हम डिस्कस करेंगे फॉर्म फिलअप चार्ज कितना होगा, फॉर्म फिलअप जो होती है उसका चार्ज कितना लगा। जिस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करवाए थे उसमें आपको कुछ चार्ज लगा था 350, तो इसमें कितना चार्ज लगेगा, और ये मैं भी बताऊंगा पिछले ईयर की बेसिस पे। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको जो है सर रजिस्ट्रेशन, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हुई उसके जस्ट बाद करेक्शन का डेट आया। ठीक है, करेक्शन जो अभी लास्ट हुई नहीं है, 7 तारीख तक होगी, जो करेक्शन जो है अभी तक चल ही रही है। तो करेक्शन होने के जस्ट तुरंत करेक्शन अभी डेट है ही, लेकिन अभी जो है पार्ट वन फॉर्म का जो है डेट निकाल दिया गया है। तो देखिए सारा चीज़ कितना फास्ट हो रहा था, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पिछले ईयर भी बात करेंगे कि फॉर्म भरने के कितने दिन के बाद जो है सो एग्जाम ली गई थी। तो देखिए, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्लिप क्या होता था। रजिस्ट्रेशन स्लिप आप जो आपको जो है एग्जाम के टाइम में रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है आपको एक वेरिफिकेशन के तौर पे आपको कॉलेज से मिलेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको कॉलेज से वेरिफिकेशन के तौर पे मिलेगा। जैसा कि आप देखे थे कि जैसा मैं आप सभी को यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये जो दिया गया है आपको रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन, स्टूडेंट्स कैन गेट देयर रजिस्ट्रेशन स्लिप ओनली व्हेन वेरीफाइड बाय द कॉलेज। ये आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगी, कॉलेज जो प्रोवाइड करेगी, इससे एक वेरिफिकेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स का कि आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं। ठीक है, तो ये वेरीफिकेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप की जरूरत होती है। और रजिस्ट्रेशन स्लिप में आपको एक फॉर्म नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो आपको मिलेगा, जो आपको फॉर्म भरने के टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपको लगेगा। ठीक है, तो आपको जो है इसलिए हमको ये जो वेरीफाई कर देता है कॉलेज की आप वहां से रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा फॉर्म भरने टाइम, वो आपको जरूरी हो जाता है। तो चलिए मैं आप सभी को दिखाता हूं कि रजिस्ट्रेशन स्लिप किस टाइप का होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया आप सभी का रजिस्ट्रेशन स्लिप। रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको इस टाइप से ही मिलेगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का। ठीक है, और यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपको मिलेगा उस पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है, जो आपको ये फॉर्म भरने के टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन जो नंबर, रजिस्ट्रेशन स्लिप, देखिए यही है एक रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपको कॉलेज से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आप देखिए यहाँ पे ये सारा कुछ आपका एड्रेस रहेगा जो भी है, और यहाँ पे फोटो सिग्नेचर क्या हो मिलेगा आपको कॉलेज से मिलेगा। आप कॉलेज जाना है, और रजिस्ट्रेशन का फॉर्म नंबर जो आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो फॉर्म नंबर मिला था वो फॉर्म नंबर लेके जाइएगा, तो और आपको जो है ये रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल जाएगा। और रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलने पे आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपको काम आएगा फॉर्म भरने के टाइम में। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है वो मैं आप सभी को डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप क्या होता है वो आपको पता चल गया। रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगा वेरीफिकेशन के तौर पर, आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगा। रजिस्ट्रेशन स्लिप कॉलेज से मिलेगा, और कैसे मिलेगा तो वो आपको जो है सो फॉर्म नंबर जो निकाले थे आप रजिस्ट्रेशन किए थे ऑनलाइन, तो वो फॉर्म नंबर लेके जाइएगा, और आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है आपको मिल जाएगा, कॉलेज से मिल जाएगा। अब देखिए फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन हो गया या ऑफलाइन। देखिए पिछले साल जो फॉर्म फिलिंग हुई थी वो ऑनलाइन ही हुई थी, जिस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन हुई है उसी तरह से आपका फॉर्म फिलअप भी जो है ऑनलाइन ही होगा। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा जो आप रजिस्ट्रेशन स्लिप पर आपको दिया होगा। अब देखिए फॉर्म फिलअप का चार्ज कितना होगा, पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 650-700 जो है इसके आसपास लगा था, तो इस साल भी 650-700 जो है एक अनुमान बता रहा हूँ कि इतना आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा जो आपको ऑनलाइन पे करना होगा। ठीक है, तो अब देखिए रजिस्ट्रेशन चार्ज करने के बाद जस्ट जो है आपको एग्जाम का शेड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा, एग्जाम का शेड्यूल आ जाएगा, जो एडमिट कार्ड है वो आपको कॉलेज से जाके आप तुरंत जो है एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। जो फॉर्म भरने के बाद जो है जस्ट ही 2-4 रोज के बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और पिछले ईयर की बात करें तो फॉर्म भरने के जस्ट बाद 10 से 15 दिन के बाद एग्जाम ले ली गई थी। तो आप लोगों का अगर देखिए 12 से चालू होने वाली है आपको फॉर्म भरना जो है, फॉर्म फिलअप करने की जो है डेट 12 से चालू करने वाले, तो मैक्सिमम आपको 1 सप्ताह का टाइम दिया जाएगा फॉर्म भरने का। और फॉर्म जस्ट 1 वीक जो है, फॉर्म भरने के जस्ट 1 वीक के बाद जो है आपको एग्ज़ाम चालू
जस्ट फॉर्म भरने के एक वीक के बाद जो है एग्जाम चालू होने की संभावना है, या आपका उससे कह सकते हैं कि 15 दिन के बाद ही एग्जाम चालू होगा, यानी कि अप्रैल जो है 3 अप्रैल से जो एग्जाम होने वाली है, ये जो है कुछ सही बैठ रहा है इस पर, ठीक है। तो आप लोगों का 1 अप्रैल से एग्जाम होने की संभावना है, और जरूरी नहीं कि जिस तरह से आपको पिछले शेड्यूल जो दिसंबर में आई थी जिसमें आपको दिया था कि 5 मई से एग्जाम होगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले ईयर की बात करें तो पिछले ईयर 24 अप्रैल से ही एग्जाम हुई थी, तो 24 अप्रैल से ही एग्जाम हुई थी। तो इस बार देखिए 3 अप्रैल कह रहा है, हो सकता है कुछ लेट करे, फॉर्म भरने की डेट भी भरा जाए, तो इसी के आसपास जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक या 10-15 तक जो है आप लोग का एग्जाम चालू होने की संभावना है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।